कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों को भी उस लेवल पे ले जाया जाए जहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदी फिल्में होती हैं। अगर आप बोलेंगे तो आपको थिएटर पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हो कि मैं सैटेलाइट से कमा लूँ या OTT से कमा लूँ, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। क्योंकि इससे पहले भी जो हमने फिल्में की है उसको हमने कोशिश किया मल्टीप्लेक्सेज में रिलीज करें, हमें पता है लोग नहीं आ रहे, बट एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो कि हमारी फिल्में लग रही हैं, आज ना कल लोग थिएटर में आएंगे। लेकिन जो आपका अपर वर्ग था या मीडियम क्लास वर्ग था वो थिएटर से बाहर जा चुका है, आपकी लैंग्वेज की फिल्म से, वो दूसरी फिल्में देख रहे हैं बट आपकी फिल्म नहीं देख रहे। हमने कभी किसी फिल्म का बजट नहीं बनाया, मैं सिर्फ फिल्म बनाई नहीं, आज ऑन द फ्लोर जा रहा है, ऑन द फ्लोर जा रहा है। फिल्म जब बनता है कंप्लीट होने के बाद, रिलीज होने के बाद जब हमारे अकाउंटेंट के पास होता है, जब वो अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे क्या बजट लगे। खेसारी जी के बेटे, खेसारी जी के बेटे बने, तो मतलब यहाँ पर डबल खेसारी। मुंबई था, मुझे पता चला कि बहुत बड़ी भोजपुरी फिल्म का पोस्टर लॉन्च होने वाला है, और मैं यहाँ आया तो मेरी नज़र एक चीज़ पे अटक गई, SRK। और SRK तो शाहरुख खान, तो आपका SRK कौन है, क्या है ये SRK? हमारी मेरा जो SRK है वो एक्चुअली मेरी वाइफ का नाम शर्मिला स्टार्ट होता है, एक्चुअली हमारी कंपनी का नाम पहले कुछ और हुआ करता था, बट चूंकि जब से शादी हुई, शादी के बाद हमने इस कंपनी का नाम SRK रख लिया, और समय से SRK म्यूजिक शर्मिला रोशन कुमार। पैसा भी SRK से कम नहीं है, मतलब इस तरह का नाम जो है वो सोचना, और वो दिखा दीजिए SRK का दूसरा पार्ट जो है वो वहाँ पे बैठी हुई पार्ट येल्लो कलर की साड़ी में, फर्स्ट पार्ट जो इस फिल्म की प्रोड्यूसर है, मेन प्रोड्यूसर, आप साइड प्रोड्यूसर। हाँ, मैं साइड प्रोड्यूसर एक्चुअली, हमें रखा जाता है कि तुम सामने रहो, चूँकि ये अच्छे प्रोड्यूसर और अच्छे पति दोनों की निशानी है कि आदमी ने पहले ही मान लिया कि मैं साइड पे हूँ और जो है मेन बिजनेस वहाँ से चल रहा होता है। क्या फिल्म क्या है, मतलब इतना ग्रैंड सेटअप आप लॉन्च करने वाले हैं, तो जितनी कहानी आप बता पाए। कहानी में क्या बताऊँगा, इट्स अ पैट्रियोटिक फिल्म, बट ये स्टार्ट होती है गांव की कहानी है, काफ़ी अच्छा फैमिली ड्रामा है, और वहाँ से एक हीरो होता है जो फौज में होता है, और वहाँ से कहानी घूम रही होती है। उस कहानी को मैं नहीं चाहूँगा अभी रिवील करें, मैं बिल्कुल उसमें ज़्यादा जानना भी नहीं चाहूँगा। स्टार कास्ट कौन-कौन? खेसारी लाल जी हैं, रति पांडे हैं, डायना खान हैं, अमित तिवारी हैं इसमें, राज प्रेमी जी हैं, मीर सरवर जी हैं, मतलब बहुत सारे। खेसारी जी को लेने की कोई खास वजह? डेफिनेटली क्योंकि खेसारी जी की एक अपनी फ़ैन फॉलोइंग है, और बहुत बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, और इसको हम लोग चाह रहे हैं कि अच्छी तरह से इसको रिलीज़ कर पाएँ, और उनकी जो फ़ैन फॉलोइंग है उसको हम थिएटर में लेके आएँ। तो जो मैं स्केल देख रहा हूँ यहाँ पे इवेंट का, मतलब कहीं ना कहीं आप कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी फिल्मों को भी उस लेवल पे ले जाया जाए जहाँ पे कहीं ना कहीं हिंदी फिल्में होती हैं, उस तरह का इवेंट, उस तरह का प्रमोशन। वही हमारी प्लानिंग चल रही है इस समय, क्योंकि इससे पहले भी जो हमने फिल्में की है उसको हमने कोशिश किया मल्टीप्लेक्सेज में रिलीज करें, हमें पता है लोग नहीं आ रहे, बट एटलीस्ट अवेयरनेस क्रिएट हो कि हमारी फिल्में लग रही हैं, आज ना कल लोग थिएटर में आएंगे। बट इसलिए हमने क्या किया, यहाँ पर कुछ चीज़ें चेंज की है, जिसमें रति पांडे जी चूँकि सीरियल की अच्छी आर्टिस्ट हैं, बड़ी आर्टिस्ट हैं, डायना खान उन्होंने भी सीरियल्स में काम किया है, कुछ ऐसे आर्टिस्टों को लाके तो कुछ अलग फ्रेश दिखा के लोगों को समझाने की कि हम अच्छी फिल्में बनाते हैं, प्लीज़ आप थिएटर में आइए और फिल्म देखिए। एक और भी मुझे यहाँ पे भी कुछ बड़े इंटरेस्टिंग पोस्टर्स दिख रहे हैं, ये कौन कौन से कैरेक्टर्स हैं, हल्का फुल्का सिर्फ ब्रीफ? ये एक्चुअली एक आतंकी होते हैं बसंती में, अमिताभ भट्टाचार्य हैं जो कोलकाता से हैं, बंगाल की फिल्मों में काम करते हैं, काफ़ी अच्छे आर्टिस्ट हैं, तो वो प्ले कर। ये बहुत पॉपुलर, ये तो खैर इनके लिए कुछ बोला नहीं है, ऋषभ जो कि इनका ब्लॉग भी काफ़ी हिट है सो ये चल रहा होता है, और खेसारी जी का बेटे ही बने हैं, खेसारी जी के बेटे ही खेसारी जी के बेटे बने हैं, तो मतलब यहाँ पर डबल खेसारी। और आपको आगे देखने को मिलेगा जब आप फिल्म देखेंगे तो समथिंग इंटरेस्टिंग पार्ट इनके साथ जुड़ा है। ये डायना खान है जो मैंने अभी बताया कि ये फिल्में कर चुकी हैं, सनी देओल जी के साथ फिल्म कर चुकी हैं घायल रिटर्न में, इसके बाद सीरियल्स आई, सो ये भी एक्ट्रेस हैं फिल्म में। बीइंग अ प्रोड्यूसर कितना चैलेंज होता है, कहीं ना कहीं जिस तरह से भोजपुरी इंडस्ट्री की फॉलोइंग तो है बट फिल्में वैसी कमाई नहीं कर पा रही हैं। जी मैंने स्टडी किया है, चूँकि हम जो बात करेंगे शायद थोड़ी कड़वी हो सकती है, हम जिस इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं भोजपुरी की जो पॉपुलेशन है, हम 50 करोड़ 100 करोड़ की एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं कमाई की, बट हम इसमें खुश हैं कि मेरी फिल्मों ने सबसे ज़्यादा अगर कमाई की हो तो 2 करोड़ कमाई की होगी या 2.5 करोड़। सो मैं उसको, चूंकि मैं इंडस्ट्रीज में काम करता हूँ, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, बट मैं बोलना चाहूँगा कि हम उस इंडस्ट्री में फिर हम कर क्या रहे हैं, 2 करोड़ 2.5 करोड़, इट्स नॉट अ इंडस्ट्री, बिल्कुल उसको इंडस्ट्री नहीं बोलेंगे फिर, तो आप कोई भी काम करके बिजनेस कर सकते हैं।
तो मैं इस फोकस के साथ काम करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इसलिए मैंने ऐसे आर्टिस्टों को लेकर रखने की कोशिश की कि बिजनेस को आगे बढ़ाए। अगर आप फिल्म को बिजनेस के रूप में देखते हैं या अपनी भाषा को बढ़ाना चाहते हो, उस पर लेकर चलने की कोशिश कीजिए। तो कहीं ना कहीं जो कमाई है थिएटर से उतनी नहीं है, सैटेलाइट नहीं, अगर आप बोलेंगे तो आपको थिएटर पे ही डिपेंडेंट होना पड़ेगा। आप अगर ये सोचते हो कि मैं सैटेलाइट से कमा लूँ या OTT से कमा लूँ, इट वॉन्ट बी पॉसिबल। तो अभी तो हम एक ट्रेंड ये भी देख रहे हैं, जैसे हिंदी फिल्मों में देखा जाए जो बड़ी इवेंट फिल्म है, हाँ, वही चल रही है, जवान, पठान, एनिमल, और जबकि अच्छी फिल्में भी हैं, जोरम आई मनोज वाजपेयी की और कमाल की फिल्म है, बट कहीं ना कहीं वैसा ऑडियंस नहीं मिला। तो उस चैलेंज को भोजपुरी में कैसे, क्योंकि आप तो ले आए स्टार खेसारी लाल यादव, वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स ऑफ भोजपुरी। हमारी कोशिश है इस फिल्म से कि जो लोग थिएटर से जा चुके हैं उनको लाना, कि जो आपके हैं वो तो हैं ही इस समय, बट एक्चुअली जब हम लोग बच्चे छोटे हुआ करते तो हम लोग फिल्म देखा करते, गंगा किनारे मोरा गांव या ऐसे फिल्में देखते थे, तो उस समय हर वर्ग के लोग फिल्म देखा करते थे, लेकिन जो आपका अपर वर्ग था या मीडियम क्लास वर्ग था वो थिएटर से बाहर जा चुका है, आपकी लैंग्वेज की फिल्म से, वो दूसरी फिल्में देख रहे हैं बट आपकी फिल्म नहीं देख रहे हैं। सो बस वही समझाने की कोशिश कर रहे हैं हम कि आप प्लीज़ आइए, हमारी फिल्में भी अच्छी बन रही है, और हम इसलिए हमने इस फिल्म में काफ़ी खर्चे किए हैं, अच्छी बैकग्राउंड, मतलब आप देखेंगे तो बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी जिससे हम लोगों को अट्रैक्ट कर पाएँ कि आप आइए फिल्म देखने के लिए। तो आपने मतलब क्या फिल्म प्रोडक्शन में आने के बारे में क्या बचपन से सोचा था, या क्या था कि मतलब कि प्रोड्यूसर बनना है या फिल्मों में जाना है, हीरो बनने का था? नहीं, इट्स अ डेस्टिनी और ऑटोमेटिकली आ जाता है, सो आप उसमें चले आते हैं काम करने के लिए। सो मैं तो यहाँ पढ़ाई करने आया था। अच्छा, किस चीज़? मैंने MBA कंप्लीट किया यहाँ आके, ओके, फिर यूनिवर्सल ज्वाइन किया, यूनिवर्सल म्यूजिक में काम करता था, फिर अल्ट्राजन आई स्टार्टिंग माय ओन। तो बीइंग अ प्रोड्यूसर सिरदर्दी कितनी होती है? बहुत है। सबसे बड़ी सिरदर्दी क्या होती है? वो बोलना ठीक नहीं है, क्योंकि सिरदर्दी तो सब यार कहीं ना कहीं से हो रहा होता है, तो किसी के लिए बोलना अच्छी बात ही होती है। स्टार्स को मैनेज करना इज अ सिरदर्दी, बट या एक रैपो बन जाती है तो नहीं, फिर जब मैंने काम किया लोगों से मैंने सीखा, बट इस फिल्म में जब मैंने काम किया मुझे कहीं से कोई सिरदर्दी नहीं हुई, क्योंकि एवरीवन इज प्रोफेशनल। आप टाइम पे शूट करो, टाइम पे लोग आएंगे, इफ़ यू आस्क देम, चाहे इनको डायना खान को बोले, आप प्रतीक पांडे को बोले, खेसारी जी तो अल्टीमेट है, उनके लिए हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, मतलब बहुत बहुत ज़्यादा वो वेरी पंक्चुअल, बट एज अ एक्ट्रेसेज मैं अगर बात करूँ, सो जो अनुभव हमने किया हमें पता ही नहीं चला कि शूटिंग कब कंप्लीट कर ली हमने, बट आप समझ सकते हैं मैं क्या बात करना चाह रहा हूँ, हम झेलते हैं बहुत सारी चीज़ें, हमें झेलना पड़ता है, बट इट्स फाइन। अच्छा, कई बार ऐसा होता है कि कुछ देखा कि यार कि जरूरत से ज़्यादा खर्चा हो गया है कि यार जाता है यहाँ पे तो नहीं। मैंने एक्चुअली हमने जितनी भी फिल्में बनाई है अभी तक आप देखोगे तो अगर मेरे ऑफिस में भी आप आएंगे कभी या आप देखना चाहें, हमने कभी किसी फिल्म का बजट नहीं बनाया, मैं सिर्फ फिल्म बनाया ही नहीं, नहीं कि कभी जो, नहीं जो आज ऑन द फ्लोर जा रहा है, ऑन द फ्लोर जा रहा है, जा रहा है। फिल्म जब बनता है कंप्लीट होने के बाद, रिलीज होने के बाद जब हमारे अकाउंटेंट के पास होता है, जब वो अकाउंटिंग करते हैं तो हमें पता चलता है कि हमारे क्या बजट लगे, नहीं तो हमने कभी किसी फिल्म के बजट नहीं। एक फिल्म बना रहा था, मतलब आप दिल से फिल्म बनाते, दिल से बना, चूंकि मेरा पैशन है कि जो 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 सिनेमा को लेके पैशनेट हो, पैशनेट हूं मैं और इसलिए फिल्में बना रहा होता हूं बस। आपका पर्सनल फेवरेट कौन है अगर एक्टर की बात करें? पर्सनल फेवरेट नहीं बोलेंगे बट डेफिनेटली खेसारी भाई तो हैं, क्योंकि चूँकि जो जो वर्क से प्यार करते हैं मैं उनके साथ काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट से पेश आता हूँ, मैं सबके साथ आता हूँ रिस्पेक्ट से, बट मैं मुझे बहुत ज़्यादा प्यार आता है क्योंकि बहुत काम करते हैं। उनकी सबसे बड़ी खूबी क्या है जो इतने पॉपुलर है, मास हीरो अगर कहा जाए तो आपके, क्योंकि बिकॉज यू आर अ प्रोड्यूसर, और सबसे ज़्यादा अगर कोई आदमी चिंतित होगा या सबसे ज़्यादा तो प्रोड्यूसर होगा, ऑडियंस तो ठीक है वो देखेगी भाई, ठीक है ट्रेलर देखा, देखेंगे या नहीं देखेंगे बात खत्म, या देखेंगे तो ठीक है तो तारीफ कर देंगे, दो गाली दे देंगे, लेकिन प्रोड्यूसर का बहुत कुछ स्टेक पे लगा होता है, तो एज अ प्रोड्यूसर आपको क्या उनमें क्या खूबी लगती है? बट खेसारी जी हैं तो हमें पता है कि चूंकि वो मास के हैं, उनके पीछे लोग भागते हैं, लोग प्यार करते हैं उनसे, बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, इसलिए लोग उसको पसंद करते हैं खेसारी जी को, सो इसलिए हमने सोचा कि उनको लेके ही ये फिल्म बनाए तो हमारे लिए बेटर होगा, और हमारे जो कैरेक्टर को सूट करता था वो परफेक्ट उनके ऊपर सूट करता। और कब आ रही है ये फिल्म, ये भी बता दीजिए? फरवरी में आएगी, बट डेट एग्जैक्टली नहीं बताऊंगा, डेट एग्जैक्टली नहीं बताएंगे, और वो जब आएगी में आ रही है तो फिर हम बात करेंगे, और उम्मीद है उस वक्त तक ट्रेलर भी आ जाएगा और उससे पहले बहुत सारी चीज़ें और चीज़ें भी आ जाएँ। तो आज सिर्फ पोस्टर लॉन्च करने वाले हैं? आज हम चूँकि ये जितने आर्टिस्ट हैं हमारे न्यू आर्टिस्ट हैं फिल्म में आ रहे हैं, इनको हम अपनी इंडस्ट्री में इनको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ओके, सो इसलिए वो सामने आएंगे, क्योंकि अभी तक हमारी ये आर्टिस्ट पब्लिक के सामने नहीं आए हैं, फिल्म कंप्लीट हो चुकी है, बट नो वन इज़ अवेयर कि एक्ट्रेसेस कौन है इसके अंदर, तो इसके लिए हमने
या इवेंट रखा। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। और उम्मीद करते हैं फिल्म जो है Thank बहुत you. अच्छी चले। रंग दे बसंती जो हिंदी में बनी थी वो भी बहुत अच्छी चली थी, और उम्मीद करते हैं ये भी उसी तरह से चले। और जो स्केल आप कम से कम कोशिश कर रहे हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री का ऊपर हो, उसमें ज़रूर आपको सक्सेस मिलेगी। इसमें हम लोग कोशिश तो कर रहे हैं, इवन पूरी इंडस्ट्री सपोर्ट कर रही है इसको आगे लेके जाने के लिए। तो सपोर्ट करेगी तभी हो सकता है, तभी हम लोग जब साथ मिलके ही कुछ कर सकते हैं। साथ मिलके ही कुछ कर सकते हैं, बिल्कुल, ये आपने ठीक कहा। उम्मीद करते हैं कि ऐसा होगा, सभी कर रहे हैं, सारे आर्टिस्ट ने सपोर्ट किया। थैंक यू सो मच। थैंक यू।